हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर रिव्यू वीडियो। आज जिस बाइक का मैं रिव्यू करने आया हूँ वो इंडिया का बहुत ही पॉपुलर एक बाइक है। तो अभी ये BS6 में भी आ गया है, तो चलिए देख लेते क्या क्या नया चेंजेस अभी आया है। दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर बाइक कम्युनिटी में ये एक बहुत ही फेमस बाइक है, ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर। तो ये अभी BS6 अवतर में आ गया है, तो चलिए देख लेते क्या क्या चेंजेस अभी आया है। दोस्तों, फ्रंट व्हील की अगर बात करें तो सामने आपको 80x100 सेक्शन की 18 इंच ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। अभी इंजन की अगर बात करें तो ये 125cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड F5 वर्टिकल इंजन विच प्रोड्यूस 10.73 bhp एट 7500 rpm एंड 10.6 Nm ऑफ टॉर्क एट 6000 rpm। यहाँ पर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट पाइप में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है और पीछे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन देखने को मिलता है। पहले से अभी फ्रंट में 15mm ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ा दिया गया है, पीछे आपको 7.5mm सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ा दिया गया है। टेल लैम्प आपको बल्ब टाइप देखने को मिल जाता है। अभी डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है और उसी के साथ साथ इंडिकेटर भी बल्ब टाइप है। पीछे की टायर आपको 90x90 सेक्शन की 18 इंच ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। इधर आपको i3s की बैजिंग देखने को मिलता है और अभी आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। सामने हेडलैम्प की अगर बात करें तो इसका बेसिक डिज़ाइन सेम रहता है, ये थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया है और ये हैलोजन टाइप ही है। सामने आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अगर पीछे की ब्रेक दबाएंगे तो आगे का ब्रेक भी लग जाता है। स्विच गियर की अगर बात करें तो यहाँ मुझे एक डिसेंट क्वालिटी का स्विच गियर ही लगा। यहाँ आपको पासिंग लाइट स्विच, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न देखने को मिल जाता है। मीटर कंसोल की अगर बात करें तो यह मुझे एकदम ही निराशाजनक लगा कि अभी भी यहाँ पूरा एनालॉग मिलता है। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल मीटर और लेफ्ट साइड में आपको इंजन मेलफंक्शन लाइट, न्यूट्रल, हाई बीम लो बीम, i3s इंडिकेटर और साइड स्टैंड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको i3s की स्विच और इग्निशन स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको 12 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है और सीट आगे की हिसाब से 45mm लेंथ बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का कंफर्टेबल सीट देखने को मिलता है आपको। इधर आप गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। माइलेज आपको 65 से 70 के आसपास आपको मिल जाएगा। इस बाइक का दो वेरिएंट है, एक डिस्क और एक ड्रम। दोनों का प्राइसिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू स्टे विथ अस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।